हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, केम छो, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा मजे लेंगे। गाइस, अभी हम जा रहे हैं मांडवी। वैसे को मसाज करके मैंने सुला दिया है, 10 बज रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। वैसे 1.5 से 2 घंटे तक रहती है, तो हमें बस 2 घंटे में वापस आ जाना है। तो देखते हैं क्या होता है, चैलेंज के जैसा है अभी तो। वैसे का चैलेंज हमें पूरा करना पड़ेगा। और आज हम जाने वाले हैं हाईनेस से। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा हाईनेस ही पसंद है। चेतन को पता नहीं क्या पसंद है। क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? हाईनेस। मुझे है ना, ये बैठने में एकदम कंफर्टेबल लगती है, कार से भी ज़्यादा मज़ा आता है इसमें मुझे। तो अभी हम लोग आज हाईनेस चल जा रहे हैं। तो गाइस, हम लोग मांडवी पहुँच चुके हैं और हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले मैं वैसे के लिए ही शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर फ़ोन आएगा घर से भागना पड़ेगा तो और चीज़ें रह जाएंगी तो चले क्या। लेकिन वैसे का जो सामान लेना है मुझे, वो पहले ही ले लेती हूँ। तो गाइस, अभी मैं गई हूँ बैग लेने के लिए और यहाँ पर देखिए बहुत सारी वैरायटी है बैग की, लेकिन अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं आई है। तो मैं किसके लिए बैग ले रही हूँ ये तो मैं जब उसे गिफ्ट करूँगी तभी आप लोग देखना। मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं ढेर सारी शॉपिंग करके। ये देखिए, इतनी सारी शॉपिंग कर ली है और एक वैश्वी का बड़ा सा झूला भी ले लिया है। और हम लोग है ना 12:30 बजे घर पर पहुँचे और तुरंत ही गए वैश्वी को आज टीका देने का था। तो मैंने सोचा था कि 12 बजे आ जाएंगे, लेकिन 12 नहीं बजे, लेकिन 12:30 बजे हम घर पर पहुँचे। काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे थे वहाँ से, क्योंकि मैंने कहा था मुझे फ़ोन करना, तो काफ़ी सारे फ़ोन आए थे वहाँ पर। लेकिन मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी, चार्जिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर चार्जिंग में रखती हूँ, निकलते टाइम ले लूँगी। फिर मैं भूल गई, तो फिर कितने सारे फ़ोन आए। 12:30 बजे पहुँचे घर पर और फटाफट से वैश्वी को लेकर हम लोग वहाँ पर गए। मैंने वैश्वी को खाना खिलाया, मतलब दूध पिलाया, और फिर हम लोग उसे टीका दिलवा के वापस आए। 3 जगह पर वैश्वी को आज सुई खानी पड़ी। एक यहाँ पर हाथ में, यहाँ पर दोनों पैर में, और 2 टाइप के तो टीके पिलाए। तो आज वैश्वी का टीकाकरण भी हो गया। बहुत रो रही थी वो, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था, बहुत रो रही थी। फिर हम लोग पहले सोच रहे थे कि ये वाला झूला ले के नहीं, क्योंकि बाइक से गए थे ना, फिर लेने में वो होता। पर फिर विचेता ने कहा चलो ले लेते हैं, तो फिर लेकर आ गए तो अच्छा हुआ। अभी वो उसके अंदर हमने सुलाया है तो बहुत ही आराम से सो रही है, तो सोचा कि पैर में दर्द होगा तो अच्छा हुआ वो लेकर ही आए हम लोग। और आज है ना, मैं मांडवी में आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था। हमारा टाइम तो 10 बजे ऑलरेडी शुरू हो चुका था, फटाफट से हमें वापस आना था। तो फिर अगर मैं कुछ सूट करती तो ज़्यादा टाइम लग जाता, इसीलिए हमने फटाफट शॉपिंग करी और फिर फटाफट से वापस आ गए। आज तो ढेर सारी शॉपिंग कर ली है, 2 घंटे का टाइम था उसमें भी। ये बैग लिया है, आप एक कमर माटे भी तुझ मन माटे। हाँ, मुझे आने दे काम हो कर दे। अच्छा है, अच्छा है, पूरी जोड़ी अच्छा है। तो हम लोग, हमारी तड़पदी लैंग्वेज है उसमें हक्कर है ऐसा बोलते हैं। सक्कर है, सक्कर, हक्कर है, हक्कर बहुत मस्त अच्छे। ज्यादा पॉकेट हो ऐसा बैग लिया है मम्मी के लिए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, पहले मम्मी देख ले। और क्या लेकर आए हैं, ये 2 साड़ी ली है। ये साड़ी है ना, मैंने एक रमीला मासी के लिए ली है, ये रेड वाली। रमीला मासी का रेड कलर फेवरेट है, आपने देखा होगा, वो जब भी देखोगे आप तो वो रेड कलर ही पहनते हैं। और एक है ना, तो ये एक हमारे रिश्तेदार है, हमारे पास में ही रहते थे पहले, हमारे पड़ोसी थे। तो उनका है ना बेटा नहीं है, वो 2 ही है,
उनकी बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं है उनका, तो हम लोग पास में रहते थे तो उन्हें बहुत ऐसा लगता था कि ये अच्छे से हमारा ख्याल रखते हैं। तो अभी दीपावली है तो मैं उनके लिए भी साड़ी लेकर आई हूँ। तो इस तरीके की प्रिंट की ली है मैंने, ये दो सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे ये वाली ज्यादा पसंद थी लेकिन ऐसी ही दूसरी नहीं मिली। यहाँ है ना, यहाँ पर नीचे बॉर्डर है इस तरीके से देखिए, और ऑल ओवर साड़ी इसी तरीके की है और ये मस्त सा एक बॉर्डर है। रमीना मासी को ऐसी साड़ियाँ बहुत पसंद है। बांधनी नहीं खपे रही, बहुत पेर रही। तो है ना, ये दो साड़ी, ये भी ऑल ओवर ऐसी ही है, ये भी मुझे तो अच्छी ही लग रही है। मैं आपको बैग दिखा देती हूँ। बैग ये देखिए, ये बैग में यहाँ बैक साइड पर एक छोटा पॉकेट है और यहाँ बीच में एक बड़ा सा, उसके साइड बीच में जो बड़ा सा है ना उसके अंदर भी एक पॉकेट है, और फिर यहाँ पर साइड में एक पॉकेट और यहाँ पर साइड में भी एक पॉकेट है। तो 1, 2, 3 और एक अंदर छोटा 4 और एक बाहर की साइड 5 पॉकेट वाला है। मम्मी तब मैं गमियों, मम्मी है ना हमारे खुद के बनाए हुए बैग ही कंटिन्यू यूज करते थे, तो मुझे लगा कि इस बार इस तरीके का बैग लेकर आते हैं। साड़ी तो ऑलरेडी हमने पहले मम्मी के लिए ले ली थी और भी बहुत सारी साड़ियां तो है मम्मी के पास, लेकिन सोचा इस बार कुछ नया लेकर आते हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना। और मैंने ली है 2 कुर्तियां मेरे लिए, क्योंकि पहले वाले जो कपड़े हैं ना वो सब मुझे टाइट हो रहे हैं। मैंने सिलाइयां खोल खोल कर भी देखा, कुछ कुछ तो हो ही नहीं रहे। सिंपल ये बस यहाँ पर वर्क है, बाकी ये इस तरीके से साइड स्लिट वाली ली है। वैसे तो मुझे फुल फ्लेयर्ड आती है ना वो पसंद है, लेकिन अभी है ना फ्लेयर वाली उसमें कंफर्टेबल नहीं है, यही वाला ठीक रहेगा क्योंकि वैसे को फिटिंग करवाना रहता है, तो इसीलिए मैंने ये नई 2 कुर्तियां ली है। ये वाली जो कुर्ती है ना वो 720 और ये वाली जो येलो कुर्ती है ना वो है 820 यानी कि 820 की है, और इसका फैब्रिक एकदम मस्त ठीक है, तो इसके अंदर इनर अलग से पहनने की जरूरत नहीं है। खराब दीजिए, और इसके अंदर तो अस्तर लगा ही हुआ है ऑलरेडी। और एक लिया वैश्वी का झूला, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैंने वैश्वी की कुछ चीजें ली है, ये एक झुनझुना है, ये देखिए ये मुझे एकदम अलग लगा तो मैंने ये ले लिया है, झुनझुना है, और ये बोलता भी है। और ये वाला थोड़े से खिलौने लेकर आए हैं, अभी वैश्वी तो थोड़ा थोड़ा देखने लगी है लेकिन इतना ज्यादा भी पता नहीं चलता है, लेकिन हमें लगता है कि हम लोग क्या लेकर जाए उसके लिए। और ये एक हेयर बैंड ली है मैंने, मम्मी बोल रहे अच्छा वाला होगा तो नुकसान नहीं होगा, दादी को कितना टेंशन रहता है। ये मैंने हेयर बैंड ली है, वैसे तो अभी वैश्वी नहीं पहनती लेकिन फोटो शूट करना है कभी कभी थोड़ा लगता है ना कि कैसे सजाए, बेटियों को सजाने का बहुत मजा आता है। छोरा ना तो बड़ी मोटा मजा आ रहा है। ये है हिमालय का डायपर क्रीम, और फिर मैंने ली है ये लैंगिंग, ये गरम वाली मैंने ली है, अभी स्टार्ट नहीं किया है लेकिन एक वीक में थोड़ा थोड़ा किया है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं पहनाते हैं, पर एक वीक के बाद पहनाएंगे तो ठंड आएगी फिर जाने का नहीं होगा तो अचानक से फिर, तो अभी मैंने ले ली है। और यहाँ पर ग्रिप बनी हुई है ना तो मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है क्योंकि अभी जो छोटी उसकी 0 साइज की है ना वो उसे टाइट होने लगी है, और ये थोड़ी सिंपल है, फिर डायपर पहना के पहनाते हैं तो छोटी होगी तो फिर अच्छे से नहीं होती है, तो थोड़ी बड़ी होगी तो उसे कंफर्टेबल रहेगा। ये एक मैंने स्वेटर लिया है, बॉडी केयर किड्स का बॉडी केयर है, कॉटन का है ये, और एकदम इसका कलर अलग अच्छा लगा मुझे, जो लक्स के और रूपा के सब आते हैं ना कोजी वो वाले नॉर्मल कलर थे, कंटिन्यू हम लोग उसे देखते ही रहते हैं, माइनर के टाइम पर भी मैंने वही लिया था, तो अभी कुछ नया ये मुझे लगा
तो ये देखिए ये इस तरीके का है और ये पूरी पैर है। ये वैष्णवी के लिए एक झुनझुना लिया है, ये देखिए वैष्णवी। लेकिन उसे आज टीका दिया हुआ है ना, हम लोग रस्सी बोलते हैं गुजराती में, तो तीन तीन दी हुई है, तो वैष्णवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, रो रही है वो अभी, बस चुपचाप देख रही है, पता नहीं कैसे चुप रही है, नहीं तो चुप ही नहीं रहती इतने देर। ये झुनझुना देखो वैष्णवी, ये जो तारी फ्रेंच है अच्छा तो फ्रेंच एकदम ऐसे देख रही है मुझे, घूर रही है। और यहाँ पर बचता है, यहाँ पर वैष्णवी। और है ना ये एक छोटी सी कैप ली है, बाकी सारी कैप है ना वो आंखों में से आ जाती है, तो अभी शॉपकीपर ने तो बोला है कि ये अच्छा है नहीं होगा, तो देखते हैं क्या होता है। ये छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत काम की है। तो बस इतनी शॉपिंग की है आज मैंने, अभी वैष्णवी मना बोल रही है, तो अभी स्टॉप करती हूँ वीडियो, फिर रमीला मासी आ गए हैं तो मैं उन्हें इनकी साड़ी दिखाती हूँ। वैष्णवी को अभी मूड अच्छा हुआ है, थोड़ी सी बातें करने लगी है। बात तो करेगी કેવી છે માસી સાડી? સાડી બહુ બને મસ્ત છે। કયો કલર ગમશે તમને? મેં તો તમને લાલ બહુ ગમે એટલે તમારા માટે લાલ લીધી હે। માસી કો રેડ કલર બહુ પસંદ હે। ટ્રાય કરકે દેખતી હું કેસી લગતી હે માસી કી સાડી। બોર્ડર મસ્ત લાગે છે મસ્ત લાગે છે। માસી આવ્યા તમારી દિવાળી ની ગિફ્ટ બહુ અચ્છા અને વૈષ્ણવી સારું છે નાની માને કે આશીર્વાદ દઉરે મસ્ત પહેરી અને લાલ ચટાક થઈને આવજો અમારા ઘરે દિવાળી માં આવીશ દિવાળી ના હવે દિવાળી માં આવીશ सो गाइस अभी मैंने वैष्णवी को दवा पिला दी है और फीडिंग भी करा दिया और अभी उसे सुला दिया है। अब ये सब कुछ साफ करना बाकी है, सब कुछ फैला के रख दिया है। बाद में मैं कुर्ती ट्राई करके देखूंगी कैसे लग रही है। ये मैंने है ना आटो व्यू में से ली है कुर्ती जो है वो, और दोनों साड़ी भी वहीं से ली है। और कुर्ती की तो मैंने प्राइस आपको बता दी, साड़ी की मैं आपको नहीं बताना चाहती अभी क्योंकि मैंने किसी और के लिए ली है तो अच्छा नहीं लगेगा ना सो अप करना। वैसे मैं किसको क्या दे रही हूँ, ये सो अप करना ठीक नहीं है आप लोग कहेंगे, लेकिन मैं इसलिए अब आपको बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ, मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई है या फिर आपके घर पे कोई काम करता है तो प्लीज उन्हें भी आप अपने परिवार के मेंबर की तरह समझे, और अपने लिए जो भी आप कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए परिवार वालों के लिए हम जो भी करते हैं वो उनके लिए भी करें, उन्हें अच्छा लगेगा और वो भी अपना समझ के हमारे लिए काम करते रहते हैं। और मैंने चाची के बोल रही थी ना उसके लिए साड़ी ली है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, हम लोग जब भी उनके लिए कुछ लेकर आते थे तो जिनका मतलब उनकी है बेटियां वो सब कुछ करते हैं इनका, लेकिन हम लोग उनके लिए कुछ लेकर जाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारा बेटा नहीं है तो अच्छा है चलो ये बेटे की तरह, चेतन के लिए उनको बहुत अच्छा भाव था कि वो बेटे की तरह उनको सब कुछ पूछते हैं ये वो सब और कुछ लेकर जाते थे। थोड़ी सी एक छोटी सी चीज भी उन्हें बहुत बड़ी खुशी देती है। तो ये देखिए अभी इसे मैंने यहाँ पर सफाई कर ली है, और इन सारी चीजें मैंने कहाँ से ली है मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बाद में बहुत सारी कमेंट आती है मैंने ये कहाँ से ली है। मम्मी का जो बैग था ना वो मैंने माही करके शॉप है मांडवी, ये रहा उसका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस, तो आप यहाँ पर से ले सकते हैं। और ये जो मेरी कुर्तियां हैं और साड़ियां जो थी दोनों, ये मैंने ना आर्ट ऑफ व्यू में से ली है, आर्ट ऑफ व्यू साड़ीज है वो सब जानते ही है मांडवी में डगाड़ावाड़ा वहां से ली है। और वैष्णवी के जो कपड़े हैं ना वो मैंने बचपन से लिए हैं, वो तो बचपन को भी सब लोग जानते ही हैं मांडवी में, अगर आप आसपास के एरिया के हैं और शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये सारी मैंने आपको बता दिए हैं एड्रेस। सो गाइस अभी आ गई हूँ किचन में, दूध उबलने के लिए रख दिया है, मम्मी छाछ बना रहे हैं तो जो दही है उसके ऊपर से मलाई निकाल देंगे, फिर बाद में
एक विक की मलाई का एक साथ ही हम लोग उसमें से मक्खन निकालते हैं। बाकी इसमें से अगर मक्खन निकालेंगे तो जल्दी नहीं निकलता है, बहुत टाइम लगता है और ऊपर पूरा फीन फीन जैसा वो हो जाता है, लेकिन मक्खन अच्छे से नहीं निकलता है। तो ये ऐसे ही रख दिया है। और चेतन सब्जियां लेकर आए हैं, आज वैसे को ठीक नहीं था तो फिर मैं नहीं गई थी मार्केट में, अभी सब्जियों को वॉश करना है। गाइस देखिए सारी सब्जियों को वॉश कर लिया है, फ्रूट को भी वॉश कर लिया है, आज तो ढेर सारी सब्जियां लेकर आए हैं चेतन। आज भैंस भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, नहीं रह रही है। सो गाइस भैंस को टीका लगाया है तो बताया तो है कि 2 दिन उसे थोड़ा बुखार जैसा रहेगा, लेकिन वो नहीं रह रही है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सबको भी, तो सब लोग हम साथ साथ में परेशान है। तो आज है ना व्लॉग भी अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है, तो मतलब कल का जो व्लॉग आया था वो लेट इसी वजह से आया था। अब हमें तो पहले लगा कि हम लोग नहीं अपलोड कर पाएंगे आज, फिर चेतन ने लेट भी कर लिया। सो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि वैसे को ठीक नहीं है तो घर में सभी को मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय भारत।